दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ आप मेरे मायके वालों को भला बुरा मत कहना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हिम्मत तो देखो इस लड़की की, अभी हमारे घर में आए हुए मुश्किल से एक साल ही हुआ है और माँ जी के आगे जुबान सला रही है। रेखा जी ने चिल्लाकर कहा, माँ जी के आगे आज तक उनके बेटे बहू पोते पोती कोई नहीं बोल पाया और ये कल की आई बहू उनसे बहस कर रही हैं। रेखा जी ने तुनक कर अपना पल्ला ठीक करते हुए कहा। रिंकी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मम्मी जी मैं दादी जी की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रही जिससे दादी जी के सम्मान को ठेस पहुँचे। शिल्पी दीदी की शादी को 12 साल हो गए हैं, जीजा जी इतनी ज़्यादा पीकर आने लगे हैं, दिन में भी पीने लगे हैं। मैंने सिर्फ उनसे यही कहा था कि इतना ज़्यादा पीना सेहत को नुकसान पहुंचाता है और अब आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अगर वो आपको दिन रात ऐसे पीते हुए देखेंगे तो उनके ऊपर भी गलत असर पड़ेगा। आप सब ने मेरी इस फिक्र के पीछे शिल्पी दीदी और जीजा जी के लिए प्यार और परवाह तो देखी नहीं, बस आप सब मेरे पीछे पड़ गए कि तूने संदीप जी की बेइज्जती कर दी, इसलिए उनसे माफी मांग। मैं माफी मांगने से छूटी नहीं हो जाऊंगी, पर मैं उस गलती की माफी क्यों मांगू जो मैंने की ही नहीं। दादी जी मेरे पियर वालों को भला बुरा कहने की उन्होंने मुझे कोई संस्कार नहीं दिए। तेरे पियर में ऐसे जमाई भाई की बेइज्जती होती होगी पर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मैंने दादी जी से यही तो कहा है, जो कहना तो मुझे कहे, मेरे पियर वालों को बीच में ना लाए। मेरे पियर में तो मेरी भाभी की भी सलाह ली जाती है। रेखा जी ने गुस्से में आके दरेरते हुए कहा, तो अभी की अभी अम्मा जी के पैर पकड़कर माफी मांग। रिंकी ने कहा, मैं दादी जी से माफी मांगूंगी पर आप सबको भी इनसे माफी मांगनी होगी। मेरे मन में तो जो था मैंने सब कह दिया पर आप सब जो दिन रात निकलते बढ़ते इनकी बे इज्जती करती हो उसका क्या। रिंकी की बात सुनकर एकदम से सबके चेहरों पर पसीना सलक गया। बात बदलने की सबने बहुत कोशिश की पर रिंकी भी आज दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। दादी जी मुझे माफ कीजिएगा पर मैं आपके परिवार वालों के सहरे से अच्छाई का नकाब हटाना चाहती हूँ। मैं किसी की भी बात उसका नाम लेकर नहीं कहूँगी। मुझे तो ये सब कहने में भी शर्म आती है, बुढ़िया सड़िया गई हैं, सारा पैसा अपनी अंटी में दबा कर बैठी हैं। इस उम्र में पूजा पाठ करनी चाहिए पर हमारी माता जी तो 99 के फेर में पड़ी हुई हैं। इनका बस सले तो हमारी सांसें भी अपनी मर्जी से सलाने लगे, हर बात में रोक टोक। इस उम्र में भी इतनी सटोरी हैं, सबको अपनी उंगलियों पर नसाती रहती हैं और भी पता नहीं कितनी बातें हैं। दादी जी जिन्हें बताकर मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती, बस आप मुझे ये बताइए यह
सब बातें माफी मांगने योग्य हैं या नहीं। दादी जी ये सब सुनकर कुछ देर शांत बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। घर वालों ने रिंकी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बातों से अम्मा जी को गहरा सदमा लगा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। एक घंटे तक सब रिंकी पर चिल्लाते रही और रिंकी सिर्फ आंसू बहाती रही और दादी जी के लिए चिंतित होती रही। तभी दादी जी कमरा खोलकर बाहर आई और सबसे बोली, किसी को रिंकी पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उसने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक यही समझती रही कि मेरा परिवार मेरा बहुत सम्मान करता है, पर आज तुम सब के अपने बारे में विचार सुनकर तुम सबसे तो मुझे रिंकी ही ठीक लग रही है। कम से कम उसके मन में जो था वो उसने साफ मन से सबके सामने कह दिया। दादी जी ने आगे कहा, मैं इस उम्र में भी यही सोचती रही, मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है, पर आज मेरा मन इन झूठे रिश्तों से उठ गया है। मैं अब तीर्थ यात्रा पर निकलूंगी। मैंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है, मैंने एक हिस्सा अपने लिए भी रखा है जो मेरे बाद रिंकी को मिलेगा। अगर तुम में से किसी ने रिंकी को परेशान किया तो उसे मैं अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगी। रिंकी ने दादी जी के पैर पकड़ कर कहा, दादी जी आप हमें छोड़कर मत जाइए। दादी जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी अब भगवान का नाम लेने की उम्र है, इस दुनिया में तो किसी का कितना भी कर लो कभी भलाई नहीं मिलती। तुम्हारे दादाजी तो इस दुनिया से तब ही चले गए थे जब ये बच्चे छोटे छोटे थे, इसलिए अकेले सबको संभालती संभालती सख्त हो जाती थी। दादी जी के सब बच्चों ने उनसे माफी मांगी पर वह किसी के कहने से नहीं मानी। दोस्तों आजकल सबको दिखावा करने वाले ही पसंद हैं और सच सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो जाइए और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।